Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कौन? मुझे बिट्टू से मिलना है। मगर आप कौन? मैं महबूब शाकरा, बिट्टू की पुप्पो शाकरा का शौहर। कौन महबूब और कौन शाकरा? यहाँ कोई बिट्टू नहीं रहती, समझे आप? झूठ मत बोलिए, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। उस दिन अस्पताल में आप ही थी। अरे आप कहाँ जा रहे? मैडम, 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 कोई नहीं है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो समझ में नहीं आ रहा, किसी के घर में इस तरह घुस सकते हैं क्या? कौन? कौन हो तुम? ये शोर क्यों कर रहा है? मैं इन्हें मना कर रही थी मगर ये अंदर चले आए। कौन हो भाई और अंदर क्यों आ रहे हो? महबूब। महबूब कौन? बिट्टू की पुप्पो शाकरा का शौहर। बिट्टू कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? मुझे नहीं मालूम। कहाँ गई है? शायद वो अपनी अम्मी के साथ गई है। अम्मी के साथ? किधर? मालूम नहीं। यकीन नहीं आ रहा। आप आओ, अंदर आके देखो। आओ, आ जाओ। सुनो, अंदर इधर आने की कोशिश भी मत कर, समझ आ मैंने जो तुम्हें बताया है ना, वो ही कहना जाके वहां पे। ऐसी वैसी और कोई बात नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या क्या कहा तुमने? ले जाओ मैं तुम्हें बेगम के घर वापस। नहीं नहीं, चुपचाप चुका है ना, वही कहना अंदर जाके तुम। चलो, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी हो जाओ, हिलना मत यहां से तुम, ठीक है ना? चुप कर जाओ। कोई है? ओहो, कौन है आप? आप फिर यहां क्यों आ गई? आपने जो करना था वो कर लिया, अब हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप? मैं अकेली नहीं आई हूं। कौन है साथ? बिट्टू। आओ बेटा, बिट्टू बेटा आप। शाबाश, आओ मेरे बच्चे। तुम्हें ये कहां से टपक पड़ी इस वक्त? बनिए मत, आप ही ने बुलाया होगा। हद करती हो, मैं क्यों बुलाऊंगा? मुझे क्या पता, याद आ रही होगी। फिजूल बातें मत करो। अच्छा सुनो, शाकरा को मत बताना कि बिट्टू आई है। शाकरा, क्यों सबको परेशान कर रही है? छोड़ दो अपनी ये जिद। मैं जिद नहीं कर रही हूँ भाभी, मेरा जाना वाकई बहुत जरूरी है। तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, मैं खुद तुम्हें सकीना के पास छोड़ कर आऊंगी, कि आप आराम कर लो। खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम हम पर आएगा, खुद सोचो। आराम कर। Thank you.
देखो मुश्ताक, अब तो मैं बिट्टो को ले आई हूँ, अब इसके हिस्से की बात कर ले हम। ठहरे जरा, मुझे बिट्टो से कुछ बातें करनी है। जी चाचू। बेटा तुम्हारा ससुराल कैसा है? चाचू वो लोग, बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत बड़ा घर है मेरा। जेवर भी है, बहुत अमीर हो गई हूं मैं। और बेटा तुम्हारा शौहर कैसा है? मैंने पसंद किए, यही बस, यही छुट्टी। सख्ती कर, सख्ती कर। जिसने तुझे मैं इस घर में लाई थी, तेरे कब्र का खौफ मेरे उसी दिन पर। चाचू वो बोलो बेटा। चाचू मैंने वापस नहीं जाना चाहती। मुझे ठहरे ना, बात कर रहा हूँ मैं उससे। हाँ बेटा। चाचू वो पागल है, उसकी माँ भी पागल है, वो लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, कट लगाते हैं। चाचू मैंने वापस नहीं जाना बेटा, सारे ससुराल वाले डराते हैं। नहीं चाचू, वो लोग बहुत अजीब है, मैंने वापस नहीं जाना, मुझे आप प्लीज यहीं रखिए चाचू, मैं नहीं रह सकती वहां पे प्लीज। देखो बेटो, जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो फिर उन्हें अपने घर में गुजारा करना होता है। चाचू देखो बेटो, ना हम तुम्हें रख सकते हैं, ना शाकरा ही अपने घर में तुम्हें रख पाएगी, तो बेहतर यही है बेटा कि जो हो गया उसी में गुजारा करो। अरे मैं तो समझा के तंग आ गई हूँ, लेकिन इससे मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। बेटा रो तो नहीं मेरी बच्ची, बहादुर लड़कियां ऐसे नहीं रोती हैं। अच्छा तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर, मुँह हाथ धो, पानी छाने पियो जाके, चलो अंदर जाओ। अरे क्या कर रहे हो, अपने आप को मार क्यों रहे हो तुम? तो रहे हैं आप मुझसे, आपकी वजह से क्या हो गए हम, खुद कर्ज बनना पड़ा है हम सबको। चारी बच्ची को आपने पता नहीं किस आग में झोंक दिया है, अब जो इसमें हाथ डालेगा वो अपना दामन जलाएगा। अच्छा अब ये रोना धोना बस करो और साफ साफ बताओ बिट्टो के हिस्से का क्या करना है। ले लीजिए, सब आप ले लीजिए। भाई यार मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत छोटा इंसान निकला मैं। मुश्ताक वाकई तुम कितने अच्छे हो। तुमने एक दफा कह दिया ना, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। आप झूठ बोल रही हैं। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूं कि वो घर पर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई भी मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता? क्या मुझे हमेशा इस बेगम साहब और छोटू के साथ रहना पड़ेगा? बिट्टो बाजी आप रो क्यों रही हैं? आदिल, आदिल मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हें बहुत तंग करती थी ना, अपने अम्मी अबू से कहो ना मुझे यहाँ रख लो, मैंने वहां नहीं जाना, मैं तंग भी नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं नहीं तंग करूंगी, पर मैंने वहां नहीं जाना। अच्छा मैं कह देता हूँ, आप जाके शाकरा फूफा से तो मिल लें। उनसे कैसे मिलूं, मुझे तो उनके ससुराल का घर भी नहीं पता। तो ससुराल क्यों जाने, फूफा तो यहीं आई हुई है। वो यहाँ है? अपने कमरे में। तुम्हारी अम्मी तो फूफा, फूफा किधर घुस रही है? मुझे फूफा से मिलना है। नहीं है वो यहाँ पे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो घर पर ही है। मैंने कहा ना घर पे नहीं है वो। झूठ बोल, खुद तो तेरा घर बसता नहीं है, तू क्या चाहती है कि तेरी फूफो की भी तलाक हो जाए? तलाक? उसका मियाँ उसको तलाक दे देगा। तलाक से क्या होता है? रिश्ता टूट जाता है। लेकिन तुम्हें ये सब कौन समझाए? तेरी माँ ने तो तुम्हें बात करने की तमीज तक नहीं सिखाई। मुझे फूफो से मिलना है। इधर आओ तुम। तुमने एक दफा कह दिया ना वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। आप झूठ बोल रही हैं। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूं कि वो घर पर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही है। तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हें बहुत प्यार करती है वो, लेकिन पीठ पीछे गालियां देती है वो। गालियां शुक्र पड़ती है जब तुम यहाँ से दफा होती हो। झूठ, सब झूठ बोल रही हो तुम। निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलो? निकलो मेरे ये सफाई की है अम्मा, हैं? 100 दफा कहे कि पिछले सहन की भी जरा सफाई कर दिया करो। देखो जरा क्या हाल हो रहा है यहाँ का। शमी मैं जरा। बेटा अभी तो दफ्तर से आए हो, फिर जा रहे हो? हाँ वो जरा काम था। जब से शाकरा इस घर में आई है ना सबका काम बढ़ गया। मतलब? मतलब ये कि पहले तो तुम्हारे पास माँ के लिए कोई वक्त होता, लेकिन अब तो जब देखो घर से गायब रहते हो तुम। ऐसी बात नहीं है अम्मा। बात तो ऐसी ही है। अच्छा ये बताओ शाकरा का क्या करना है? क्या करना? बेटा मर्द हो तुम, बीवी की बाग जरा खींच के रखा करो। ऐसी बातें कर रही हैं मैं? वो कोई पालतू जानवर थोड़ी है कि मैं उसकी बाग खींच के रखूं। सोचता समझता जीता जागता इंसान है। ऐसा इंसान जिसके बाहर के 100 मसले और उन्हें हल करना तुम्हारा काम नहीं है। वो मेरी बीवी है, उसका हर मसला मेरा मसला है। अगर वो खुश नहीं हो तो मैं खुश नहीं। इसका क्या मतलब है? बिट्टू को ले आओगे यहाँ उसकी खुशी की खातिर? अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूँ। हरगिज नहीं होने दूंगी ऐसा। ये अगर शाकरा को बिट्टू की बर्बादी की इतनी फिक्र है तो मैं तो तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैं तुम्हें इस तरह इस्तेमाल होता हुआ बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अगर आप वाकई मेरी माँ है तो आपको मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। वाह अब मेरी ममता पर भी सवाल उठेंगे। अगर आप मेरी खुशी के आड़े आएंगी तो शायद। शाबाश बेटा, बड़ी अच्छी बातें करने लगे हो तुमने, को खुश कर दिया तुमने। वाह जाओ जाओ जहाँ जा रहे थे, अब तसल्ली हुई। अब जो मैंने समझाया ना बस चुपचाप से ना वही करना तुम। गड़बड़ ना कर देना। अच्छा संभल के,
अस्सलाम वालेकुम। हो आ गए आप लोग, मैंने तो समझा था कि ये कभी वापस नहीं आएगी। अरे कैसे हो सकता है, इसका अपना घर है, वापस ही आएगी ना। मगर ये इसे अपना घर समझती कब है, इसने तो दुश्मनी पाल रखी है हम लोगों से। अरे बेगम साहब, इसकी क्या औकात कि आपसे दुश्मनी करेगी। इसे समझ में आ गई ये बात अब कि आपके और मेरे सिवाय ना इसकी दुनिया में और कोई नहीं है। ये तो मेरा ही जर्फ है कि इसकी हरकतों के बावजूद इसे झेल रही हूँ। कोई और औरत होती ना तो चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसे समझा दिया है, ये अब आपको तंग नहीं करेगी। बेटो बेटा सही कहा है ना, अब बेगम साहब को तंग नहीं करोगी ना। आप फिक्र ना करें, वो समझ गई है, वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। दरअसल इसके बाप के मरने के बाद जिंदगी तंग बहुत हो गई है। और शौहर के मरने के बाद आपके अबाए की फिटिंग बहुत तंग हो गई है जी। वो आया था। कौन? शाकरा का शौहर, भगा दिया मैंने उसे। अच्छा किया आपने, सही किया। अब आप भी भागिए यहां से, चलिए। वो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, समझ आई? लेकिन बेगम साहब वो एक थैला भी नहीं मिलेगा, चलिए चलिए। आखिर कब तक नाराज रहेंगी शाकरा? मुझे तो लगता है मैं अपने आप से ही नाराज हो गई। आदिल बता रहा था बिट्टू आई थी। आई थी और मैंने उसे फिर से खो दिया। खो दिया? हाथ उठाया मैंने उसको, थप्पड़ मारा उसे। आपने थप्पड़ क्यों? उसकी आवाज सुनकर ही बाहर आई थी मैं। रुखसाना भाभी पे झपट रही थी वो, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ उठ गया उस पर। शाकरा, अपने बच्चों को भी सुधारने के लिए तो हम कभी मार जाते हैं, ऐसा क्या जुल्म कर दिया आपने? वो तो ये नहीं समझेगी ना, तो ये नहीं समझेगी, तो ये नहीं समझेगी। मेरी तरह महसूस कर रही हूँ कि वो किसी पे एतबार नहीं कर पा रही होगी, मुझ पे भी नहीं। जिसके लिए तड़पती रही मैं, तलाश करती रही हूँ, वो मेरे सामने आई तो मैंने आपकी बिट्टो को झूठे वादे मत कर, मैं नहीं झेल सकती आपके झूठे वादे, मुझे नहीं आते। लाऊंगा से इधर आ, इधर आ, मैं कह रही हूं इधर आ मेरे करीब। किस बात की अकड़ है तुझको, किस बहुत का गुरूर है? दीवारों से बातें नहीं कर रही हूं मैं, बता क्या पूछ रही हूं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, जाने दे मुझे यहाँ से। नहीं रहना यहाँ? क्यों जाने दूँ? इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ तुझे मैं? इतनी डफल हूँ कि अपना नुकसान खुद कर लूँ? मैं नहीं रह सकती उस पागल के साथ। पागल?
कौन पागल? वो तेरा ख्वामिदा जहन्नमी औरत। मैडम, नमू इसकी वजह से बहुत भुजसा गया है। बता रहा था कि इसने बहुत तंग कर रखा है उसे। इलाज करना पड़ेगा इसका, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। कमर, जा इसको कमरे में ले जा। नमो से कहना मुझसे आके मिले। दरवाजा अच्छी तरह बाहर से बंद करना और चाबियां लाकर मुझे देना। ये यहां क्यों आई है? कौन आई है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भाई क्या हाल है? डोगरा भाई से खड़े होकर बात करें, समझे? आपको एक चीफ मिनिस्टर नहीं है। हाँ, क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं। गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। पैसों का इंतजाम जल्द नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं मुझे वो। ये क्या है? तुम्हारे फोन पे महबूब क्यों फोन कर रहा है? खैर खैरियत मालूम करने के लिए मैंने लिया था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों, तुम्हारा फूफा लगता है वो? अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हें अंदाजा है तुमने किया क्या है? अरे बेगम ने ना पैसे देने बंद कर दिया है। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि महबूब वहां पहुंच गया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गुंडों को पैसे नहीं मिले तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो ये सब पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे वो। मुझे क्यों नहीं छोड़ेंगे? मैंने क्या किया है? मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं पैसे नहीं दे सका तो सकीना देगी। क्या? ये कहने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पागल आदमी, कम परेशानियां थी पहले मेरे पास। हेलो, ये यहां क्यों आई है? कौन आई है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ रही हूं क्या प्लानिंग चल रही है। क्या हो गया रुखसाना, कौन आई है? सकीना,
कीना भा, ये भाभी कहते हुए आपकी जबान क्यों इतनी लड़खड़ाती है? लोग सही कहते हैं, हर मर्द के दिल के हजार दरवाजे होते हैं, चोर दरवाजे। दिमाग विमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं बड़ी शराफत से कह रही हूँ, आइंदा के बाद मुझे यहाँ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी गलती की मैंने, बेगम साहब की बात मान के अपनी बिट्टो को उधर ब्याह दिया। फ्रॉड औरत जालिम। मुझे बिट्टो चाहिए। उसकी जान निकाल देगी अगर उसने घर से बाहर कदम भी रखा। पहले तो मना के ले आई थी मैं बिट्टो को, लेकिन अब पता नहीं कैसे निकलेगी वो वहां से। अब जो मांगेंगी मैं आपको देने को तैयार हूं। तुम क्या समझती हो, ये सब कुछ मैं लालच में कह रही हूं? अरे तुम्हें अंदाजा है मेरी बच्ची पे कितना जुल्म हो रहा है? मारपीट करते हैं, करंट लगाते हैं उसको। क्या करंट? मैं बिट्टू के बदले आपको जायदाद में से अपना हिस्सा देने को तैयार। वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुम समझती हो कि मुझे बस जायदाद से हिस्सा चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको अपने सारे जेवर दे दूंगी, ये फिलहाल ये रख लीजिए, ये ले लीजिए, बस मुझे सिर्फ बिट्टू दे दीजिए। चलो तुम कहती हो तो मैं अपनी बच्ची की हिफाजत की जमानत समझ के रख लेती हूँ, लेकिन सोच लो बाद में मुकर तो नहीं जाओगी, सब जब खफा होंगे तो संभाल लोगी ना? मैं बिट्टू के लिए कुछ भी चुकाने को तैयार हूं, कुछ भी। आदिल बेटा ये जरा दुपट्टा मेरा पीको करवा दो। भाभी। हाँ शाकरा, क्या बात है, कोई बात करनी है तुमने? भाभी आपके पास मेरा कुछ जेवर पड़ा हुआ है। हाँ तुम्हारी सास ने मेरे पास ही रखवा दिया, मैंने बहुत कोशिश की उनके हवाले करने की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, सारे जेवर मुझे दे दिए। कैसे भले लोग हैं, कितना भरोसा किया मुझ पर, तुम उनके साथ अच्छा नहीं कर रही। मुझे मेरा जेवर चाहिए भाभी। क्यों, जरूरत है? ये अचानक क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। शाकरा मुझे तुम्हारा रवैया बहुत अजीब लग रहा है। रवैया तो सबका ही अजीब है ना भाभी, सबकी नजरों के सामने उनके जिगर का एक टुकड़ा लावारिस पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को ग्रहम नहीं आता। लोग उसे गिदों चीलों की तरह नोच नोच के खा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क तो सिर्फ तुम्हें पड़ता है ना, हम सब तो हैवान है, जालिम है। देखो शाकरा, हर बात की कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, हर आग में इस तरह कूद नहीं पड़ते। भाभी आप मुझे मेरा जेवर दे दें बस। मैं नहीं दे सकती, तुम्हारी सास ने अमानत रखवाई है मेरे पास, जब तक वो इजाजत नहीं देंगी मैं तुम्हें जेवर नहीं दे सकती। आदिल, बस आने दो, मैं बात करती हूं उसे सीधी साधी। नहीं रहना चाहती ना शाकरा तो दे दे तलाक उसे बस।
शाकरा? क्या कर रही हो? चोरी? तुम्हें क्या हो गया शाकरा? तुम अपने घर में चोरी कर रही हो? क्या थी और क्या बन गई हो? ये पिट्टू के जुनून ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या से क्या बना दिया तुम्हें? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ भाभी, मैं उसके लिए कुछ भी बन सकती हूँ। आप मेरे रास्ते से हट जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मत करो। क्यों अपनी सास के आगे मुझे जलील करवा रही हो? कल को उन्होंने जेवर का पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा जेवर है, मेरा जेवर है भाभी। इसके लिए अगर कोई जवाब दे तो सिर्फ मैं हूँ। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी भाभी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो शाकरा, अगर अपने भाई और भाभी की इज्जत की जरा भी परवाह है तो ये मुझे दे दो। मैं आज ही तुम्हारी सास को वापस कर दूंगी। वहां से बेशक ले जाना, लेकिन ये मेरे घर में उसकी अमानत है। क्या जवाब दूंगी मैं उससे? नहीं, नहीं। अपने भाई की इमानत का बड़ा पास है तुम्हें, मेरी इज्जत का जरा भी नहीं। दे दो मुझे वापस। तलाक दो मुझे, तलाक दो मुझे, जल्दी से तलाक दो मुझे, जल्दी बोलो तलाक दो मुझे। तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये तलाक दो मुझे वरना मैं मारूंगी। जल्दी दो तलाक, बोलो। बट्टू टलाटी, मुझे देखकर बोलो। टला टला टला, नहीं चाहिए मुझे। जिसके हैं जब वही इस घर में नहीं रहना चाहती तो मैं इन्हें रख के क्या करूंगी अपने पास? मुमानी जान, अब ये मेरे पास महफूज नहीं रहा है। क्यों, क्या हो गया अचानक? शाकरा बार बार जिद कर रही है इनके लिए। तो क्यों? मुझे ये डर है कि ये सारा जेवर उस अकीना को दे देगी बिट्टो की खातर। क्या बिल्कुल दिमाग चल गया है शाकरा? हो क्या क्या उसे? वो अपना घर बसाना चाहती है कि नहीं? बस आने दो, मैं बात करती हूँ उसे सीधी साधी। नहीं रहना चाहती ना शाकरा तो दे दे तलाक उसे बस। नहीं नहीं मुमानी जान, ऐसे तो ना कहे ना। अब कम से कम अपने आने वाले पोते का ही ख्याल कर ले। उसी का तो सोच रही हूँ। शाकरा को तो जरा परवाह नहीं अपने बच्चे की। इस वक्त जब उसे उसे आराम की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है, सेहत की ख्याल रखने की जरूरत है, मारी मारी फिरती है सारा दिन बिट्टो के पीछे। सच बताओ मुमानी जान, मुझे तो लगता है कि सकीना ने ना शाकरा पर जादू किया हुआ है। हाँ, वरना ऐसी भी क्या भतीजी की मोहब्बत। रहने दो रहने, जब अपना ही दिमाग खराब हो ना तो दूसरों को कोसने का क्या फायदा।
ले जाओ ये जेवर, करती है जो करे मेरी बला से। मुमानी जान बेच देगी वो। अरे बेचे भी। इधर आ नम्मो, इधर आओ, बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे, बैठ, बैठ, देख, देख ये क्या बकवास कर रही है, देख इसको ये क्या बकवास कर रही है नम्मो। मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे तलाक दी है। तूने तलाक नहीं दी ना? नहीं, नहीं दी ना तलाक? झूठ बोल रहा है, तूने मुझे दी है तलाक। तूने धोखे से तलाक ली है। धोखे से शादी भी तो हुई है। शादी कानूनी हुई है, निकाहनामा है मेरे पास। नहीं दी ना? नहीं। नम्मो, नहीं दी ना तलाक? नहीं। सुन सुन क्या बोल रहा है, बताओ दी है ना तलाक तुमने मुझे? नहीं दी उसने, दी है इसने तलाक मुझे। इसको तलाक का क्या पता, ये बेचारा तो पागल है, इसे क्या पता तलाक क्या होती है। पागल शादी कर सकता, तलाक नहीं दे सकता। मैं इस तलाक को नहीं मानती। जो तूने किसी से कुछ कहा, इसने दी है मुझे तलाक और मैं सबको बताऊंगी। और मुझे अच्छी तरह से पता है, जब तलाक हो जाती है ना लड़की अपने घर चली जाती है, मैं भी चली जाऊंगी। पकड़ इसको। बात सुन, बात सुन मेरी, मुफ्त नहीं लाई तुझे, पैसे दिए हैं पैसे। अगर मेरी इजाजत के बगैर तूने इस घर से कदम बाहर निकालने की कोशिश की तो तेरी लाश मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी जो तेरी माँ के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सकेंगे। समझ आई? ले जा इस बेगैरत को। नम्मो इस पे सख्ती कर, मैं कह रही हूँ इस पे सख्ती कर। हाँ सख्ती, हाँ बिल्कुल इस पे सख्ती कर। बेगैरत, मेरी समझ में नहीं आती एक बात, आखिर आप शाकिरा से इतना डरते क्यों हैं? कान से पकड़े और छोड़ के आए उसे मैके? बहन का मामला है रुखसाना, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ? और वो चाहे जितनी मर्जी मनमानियां करती रहे, हम कुछ ना कहें। हकीम मुमानी के आगे मैं इतनी शर्मिंदा हो गई हूँ, और कितना जलील करना है उसने। परेशान करके रख दिया इस लड़की ने। मुमानी तो तलाक की धमकियां भी देने लगी हैं।